देखिए दुबे जी, आप हमारे पीछे हमेशा क्यों लगे रहते हैं? हमारा काम आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। आप जरूर बताइएगा, गंगा जी के बारे में हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं कि मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा। मेरा काम आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? भाइयों बहनों, चलो मैं भी प्रयास करूँगा। देखिए, कौन इतिहास रास्ता है कौन नहीं रास्ता, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था तो मैं शिक्षा के साथ कुछ और भी करना चाहिए मैंने संकल्प लिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगाई करता है उसके ऊपर सीधा बुलडोजर चलाया जाएगा। अगर कोई भी मेरी मनमानी करेगा, मेरी बातों को अपमानित करेगा, तो उसके ऊपर मैं सीधे बुलडोजर चलाऊंगा। अरे नमस्कार बाबू, प्रणाम, हर हर महादेव। अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बाहू, हर हर महादेव, हे माई। अरे भाई, हराम का खा खा कर, दारू पी पी कर, अरे गेंडा हो गया है तू। भारत माता की जय। देखिए मेरा भाई और बहनों, बॉलीवुड में गाना आया था, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अगर किसी को छूने से 440 वोल्ट का झटका लगता है मेरे भाई और बहनों, तो इसमें घाटा है क्या? इसमें विद्युत की उत्पादन की जा सकती है। माने अच्छा बोला कि नहीं बोला? तालियां। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवाज में अभी इन्होंने बताया। माइयों बहनों, चलो मैं भी प्रयास करूंगा। कभी कभी बोल देता हूँ, कभी कभी पता नहीं अपने चिढ़ाने के लिए बोलता हूँ कि उनको, या फिर विषय पर फोकस करने के लिए बोल नहीं पाता। यह है एक एक्टर, क्रिएटर और शानदार ऐसे युवा हैं जो तमाम सिने जगत के अभिनेताओं की आवाज़ हूबहू निकालने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी के बाद हम लोग योगी जी पर चलेंगे, उसके पहले अपना परिचय। मेरा नाम तो अरिजीत कुमार है। और फिर से एक बार नाम। मेरा नाम अरिजीत कुमार है। अरिजीत कुमार, अरिजीत, गाजीपुर का रहने वाला हूँ, लठुड़ी मेरा गाँव है। अरिजीत, क्या करते हो, पढ़ाई कुछ क्या चल रहा है अभी? पढ़ाई कर लिए हैं, करते भी हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कंप्यूटर कोर्स करके कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं थोड़ा बच्चों को उसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुभकामना। मेहनत भी करते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पढ़ाई के साथ उपार्जित करे, इसकी जरूरत है। शुभ लाभ पढ़ाई के साथ अर्निंग हो, इसकी चिंता करनी है। गुजरात और पंजाब मॉडल, वहाँ पढ़ाई भी करते हैं बच्चे, और यूँ कहा जाए कि विदेश का मॉडल, ठीक है, मारवाड़ी मॉडल, मारवाड़ी लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी पर। योगी जी का आवाज़ निकाल रहा हूँ। देखिए, कौन इतिहास रास्ता है कौन नहीं रास्ता, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था तो मैं शिक्षा के साथ कुछ और भी करना चाहिए मैंने संकल्प लिया था, इसलिए मैंने बुलडोजर चलाया और आप लोगों ने मेरा नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बुलडोजर बाबा पर शायद वह खुश होते होंगे, ठीक है, खुश होते होंगे। मुख्यमंत्री जी की आवाज़ में अब हम चलते हैं, थोड़ा बिहार भी चला जाए। बिहार बड़ा इस समय चर्चा में है, नहीं तो बिहार भी हम लोग चलते हैं। और बिहार में भी पलटा मार गई सरकार, पलटा मार के नई सरकार हो गई, तो कई एक अपराधी उसमें हुए हैं मंत्रिमंडल में, साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसी की तैसी। अब हम लोग चलते हैं वहाँ, लालू प्रसाद यादव की आवाज़ में हो सकता है क्या? ए बुर्बक, कैसा बात करता है, मारेंगे लोल पे, चढ़ जाएगा पोल पे। और कुछ? और कुछ जैसे बोलते हैं, ए बुर्बक, जो हमारी भैंसिया है आज चारा नहीं खाई है, इसलिए दूध नहीं देगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम लोग नेताओं से थोड़ा सा बढ़ते हैं सीने जगत के अभिनेताओं की तरफ, नेता के बाद अभिनेता। अभिनेताओं में किनका किनका कर लेते हो आप? अभिनेताओं में 25 लोगों की कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे? अमरीश पुरी हो गए, जैसे बोलते हैं, हाँ, अरे भाई, हराम का खा खा कर, दारू पी पी कर, अरे गेंडा हो गया है तू।
रोशनी देव साहब है जैसे बोलते हैं। अच्छा फलीप, ऐसी खेल क्यों खेल रहे हमारे साथ? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद था, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, नहीं तो पंपा उखाड़ के मारूंगा। बहुत बढ़िया, शुभकामना। हाँ बेटा, एक सदी के महानायक हैं, उनसे हमारी लड़ाई भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लेके आता, ये पता है कि नहीं है? नहीं मालूम। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनकी आवाज में आप कर सकते हो। नमस्कार देवी और सनो, देखिए भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आए आए हाँ, देखिए जो मेरा बेटा अभिषेक है भैया, एक नंबर का निकम्मा है भाई साहब। अपने बेटे के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कभी तेल कभी नवरत्न, ठंडा ठंडा कुल बेचना पड़ता है भाई साहब, आए आए हाँ। लेकिन खुशी है कि हमारी बहू भूरी आंखों वाली है और बड़ी सुंदर है, और उसके साथ कजरारे कजरारे तेरे प्यारे प्यारे नैना, ऐसे कर लेता हूँ। आइए इधर बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं, उधर साउंड भी आ रहा है। शुभकामना बाबू, क्या नाम है आपका? अनुप्रय। बहुत बढ़िया अनुप, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ और अभिनेताओं की तरफ चलते हैं, तो हम लोग गोरखपुर चले क्या? बाबा के बाद वहाँ के एक सांसद हैं, क्या नाम है उनका? रवि किशन सर। बाबा बाबा, बहुत बढ़िया। तो रवि किशन सर जी की आवाज़ में जीता था जी जब जी बायोस्कोप टीवी में, और तो निकालना उनकी आवाज़ जैसे बोलते हैं। अरे नमस्कार रे बाबू, प्रणाम हर हर महादेव, अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बाहू, हर हर महादेव हे माई। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, कुछ और बढ़ते हैं और किसी अभिनेता का? जैसे बहुत हैं, पुराने भी है, सुरमा भोपाली, शक्ति कपूर, हाँ, हाँ, जैसे बोलते हैं नाना पाटकर जी, हाँ, नाना पाटकर, नाने पाटकर जी जैसे बोलते हैं। अच्छा है, अरे आ गई मेरी मौत की तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, आंखें बाहर आएंगी, जुबान ऐसे बाहर आएंगी आए। अच्छा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, शौहरत है, दौलत है, बस कमी है तो एक औरत की आए। अच्छा है, वाह। कभी फिल्मों में जाने का नहीं मन हुआ कि हम भी जाएं और इस तरह के कुछ? बहुत मन है फिल्मों में, ट्रैक फिल्मों नहीं में बहुत मन है, और हर जगह जाने ट्रैक ट्रैक मिल रहा है, बस एक रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ते की तलाश में तो चारों तरफ। अच्छा, अभी हमारी हमारी आवाज़ में नहीं कर सकते हो ना? प्रयास करना। प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। जैसे करना होगा तो कैसे करोगे? हमारा कोई डायलॉग पसंद आया है? जैसे आप देखे थे अभी वो सरकारी गाड़ी वाला एक था, उसके जैसे बोलते हैं, चुप चुप लोगों ने अरिजीत को चैलेंज दिया, अरिजीत ने अपने आप को चेंज किया, ऐसे ही कुछ स्टाइल थोड़ी। चलो, आक्रामक जैसा लगता है ना। अच्छा, हमसे तो पहली बार मुलाकात? हाँ, पहली बार मुलाकात। हाँ, मिलने की इच्छा थी? हाँ, मिलने की तो बहुत दिनों से इच्छा थी, हमको लग रहा है कि मैंने आपसे जैसे कि देखा, जैसे मुलक आपको देखता था हमेशा, तो एक भैया आपके साथ फोटो क्लिक किए थे, तो मैंने बोला था कि भैया थोड़ा बताइएगा कि जब भी गुरु जी आए तो बताइएगा कि उनसे मुलाकात हो जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात भी किया, आप कहीं बिजी होंगे शायद, तो बोले कि कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद दो तीन महीने के बाद फिर आपसे कल फोन आया। तो बेटा कौन सा चैनल भी है कोई? हाँ, मेरा चैनल नेम है एके मिमिक्री आर्टिस्ट नेम से। एके मिमिक्री आर्टिस्ट, इतना ही है ना? एके मिमिक्री आर्टिस्ट। चलिए, आपके चैनल के लिए भी हमारी शुभकामनाएं, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी देखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा आप सुनाओगे उनको, ठीक है? तो यह रहा, बहुत बढ़िया, हमारी मंगल कामनाएं, और भी मेहनत कर रहा है। कुछ और बताना चाहते हो किसी का? और जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ही याद जैसे नहीं आ रहा फिर भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे शक्ति कपूर जैसे बोलते हैं, आओ डाकू चुक डा वार मेरे ललिता, जाने तमन्ना जाने बाहर, जब तक देखो न दिन में चार बार, दिल को आता नहीं प्यार, आओ डाकू चुक डा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये एक कला है, और जिसको भी बच्चे अगर करना चाहते हैं तो उनको रोकिए मत, और उन्हें आगे बढ़ने का इस क्षेत्र में भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। शुभकामनाएं। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा इंटरव्यू लिए, धन्यवाद।